तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो शाहिद कपूर की अगली मूवी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब बात क्या है, सारी बात मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं। देखो भाई, यहां पे शाहिद कपूर की मैं अगर बिल्कुल रिलीज़ मूवी की बात करूं तो अभी अभी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया अभी अभी रिलीज़ हुई है इसी साल में। अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने किया। शाहिद कपूर का जो एक मीटर है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अब अक्टूबर में उनकी देवा मूवी रिलीज़ होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, वो पोस्टपोन हो गई और पोस्टपोन होकर वो चली गई फरवरी में, यानी कि 14 फरवरी 2025 को देवा मूवी रिलीज़ हो रही है। अब बहुत से फैंस जो शाहिद कपूर के थे वो यही सोच रहे थे कि यार अब यहाँ पे शाहिद कपूर कोई ऐसी एक्शन मूवी क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो देखो, मैं आप लोगों से यही बोल रहा था, मैंने कहा देखो, एक तो अश्वत्थामा है और दूसरी है छत्रपति शिवाजी, इन दोनों मूवीज़ की कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आ रही थी। इनफैक्ट अश्वत्थामा का तो मैं कहता हूँ कि उसका तो आप रहने ही दो, वो तो बहुत ही आगे चली गई है, बहुत आगे शेल्फ्ड हो गई है, क्योंकि अभी तक पूजा एंटरटेनमेंट ने अपने अगले कंटेंट की कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है। जिस तरीके से बड़े मियाँ छोटे मियाँ उनकी फ्लॉप हुई है, वो अभी यहाँ पे कर्जे में आ चुका है और अभी क्या मसला चल रहा है वो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप लोग गूगल पर सर्च कर लो, क्योंकि मैं पूजा एंटरटेनमेंट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बात करते हैं शाहिद कपूर की। देखो, शाहिद कपूर यहाँ पर देवा मूवी लेके तो आ ही रहे हैं अगले साल में, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो न्यू मूवी अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन सी है, क्या है, वो भी नेक्स्ट ईयर ही आएगी और उसकी शूटिंग आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी और अक्टूबर नवंबर में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। फ्लोर पे लेके जाया जा रहा है, यानी कि अश्वत्थामा और छत्रपति शिवाजी की शूटिंग शाहिद कपूर नहीं कर रहे हैं अक्टूबर में एंड नवंबर इसी साल, क्योंकि देखो अश्वत्थामा तो शेल्फ हो ही गई है, छत्रपति शिवाजी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको नेक्स्ट ईयर ही फ्लोर पे लेके जाया जाएगा जिस तरीके से उसकी अपडेट आई है। बात करते हैं, देखो यहाँ पे विशाल भारद्वाज एंड साजिद नाडियाडवाला की, ये दोनों मिलके एक मूवी लेके आ रहे हैं, यानी कि साजिद नाडियाडवाला का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। अगले साल वो सलमान खान के साथ में सिकंदर मूवी लेके आ रहे हैं एंड अक्षय कुमार के साथ में लेके आ रहे हैं हाउसफुल 5। ले देके इस मूवी का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मूवी भी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी। तो नेक्स्ट ईयर साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस की तीन फिल्में बड़ी रिलीज़ होने वाली हैं। विशाल भारद्वाज एंड शाहिद कपूर ने ऑलरेडी पहले काम किया है, मैं हैदर की बात करूं एंड यहाँ पे कमीने की बात करूं, दोनों ही मूवीज़ अव्वल नंबर कितनी बेहतरीन थी, जबकि हैदर मूवी को तो अच्छे खासे यहाँ पे भाई देखो अवार्ड मिले भी थे, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, और शाहिद कपूर को तो बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया भी गया था हैदर मूवी में, जिसमें के मेनन थे, तबू थी, बहुत ही अनदर लेवल पे उस मूवी को बनाया गया था, बहुत ही मेहनत करी थी शाहिद कपूर ने भाई, पूरा का पूरा अपना बाल वाल साफ करा दिए थे। तो शाहिद कपूर यहाँ पे मेहनत बहुत करते हैं और विशाल भारद्वाज भी जानते हैं कि शाहिद कपूर बहुत ही उम्दा एक्टर है, तो अब यहाँ पे शाहिद कपूर पहली पसंद बन चुके हैं साजिद नाडियाडवाला की एंड विशाल भारद्वाज की। और देखो, जिस तरीके से ये एक्शन मूवी बन रही है तो ये एक्शन मूवी यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे बनाई जा रही है एंड यहाँ पे जिस तरीके से इसके जो सीन रखे जाएंगे वो अभी तक हमने किसी भी मूवी में नहीं देखे होंगे। जो साजिद नाडियाडवाला इनके एक्शन सीन्स को रखने जा रहा है वो अभी तक हमने किसी मूवी में नहीं देखे हैं। जिस तरीके से इसकी न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ एंड यहाँ पर जिस तरीके से जब इन्होंने कपूर ने शाहिद कपूर ने स्क्रिप्ट को सुना तो उन्होंने तुरंत स्क्रिप्ट को सुनते ही हाँ बोल दिया, और पहली पसंद शाहिद कपूर ही थे, उन्होंने जैसे ही स्क्रिप्ट को सुना वैसे ही हाँ बोल दिया एंड जिस तरीके से उसमें एक्शन सीन्स लिखे हुए थे भाई अनदर लेवल के थे, बेहतरीन लेवल के थे, लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आएगी ये मूवी। एंड यहाँ पे शाहिद कपूर को यहाँ पे इस तरीके की मूवी जो मिली है वो किस्मत से मिली है एंड पब्लिक को भी यहाँ पे अच्छा लगेगा जिस तरीके से ये एक्शन मूवी है, और यहाँ पे शाहिद कपूर को ऐसी एक्शन मूवी ही चाहिए थी अपने इस करियर पे फोकस एंड पब्लिक की नज़रों में आने के लिए, क्योंकि बहुत ही अनदर लेवल के इसमें एक्शन सीन होने वाले हैं भाई। साजिद नाडियाडवाला एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है एंड यहाँ पे बड़े ही प्रोडक्शन हाउस के साथ में शाहिद कपूर को यहाँ पे काम करना चाहिए, और विशाल भारद्वाज किस तरीके के यहाँ पे डायरेक्शन होती है उनकी, किस तरीके के डायरेक्टर हैं वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है भी नहीं, बहुत ही अनदर लेवल के डायरेक्टर हैं और बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं। और शाहिद कपूर भी देखो बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, अभी उनकी देवा आने वाली है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर इस मूवी का यहाँ पे दोस्तों रिलीज़ डेट आ रही है, मतलब सेकंड हाफ में इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, बाकी आगे जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।